केस डिस्पोज्ड हो गया। अगर आपको ये पता चल चुका है कि केस डिस्पोज्ड हो गया, वकील ने कहा है, या फिर आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं साइट पर मोबाइल से ई कोर्ट के माध्यम से, अगर आप चेक कर रहे हैं और वहाँ पर चेक करने के बाद दिख रहा है केस डिस्पोज्ड, तो केस डिस्पोज्ड का मतलब ये हुआ कि आपका केस ख़त्म हुआ, आपका जो भी केस चल रहा था वो ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। डिस्पोज्ड का मतलब यही होता है कि आपका केस फिनिश, ख़त्म। अब हो कई सारे लोगों को ये लगता है कि अब केस ख़त्म हो गया है तो क्या पुलिस आएगी या नहीं आएगी आपके दरवाजे पर आपको पकड़ने, ये दिमाग में चलता है और बहुत सारे क्वेश्चन इनपुट माइंड में होते रहते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपका केस डिस्पोज्ड हो गया है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका केस डिस्पोज्ड हो गया यानी केस ख़त्म हो गया। केस जब ख़त्म हो जाए तो आप अपने वकील से बोलकर सर्टिफाइड कॉपी, नकल की जो कॉपी बोलते हैं हम, उस नकल कॉपी को आप थाने में जमा कर दीजिए। आपको जो संतुष्टि नहीं हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, क्रिमिनल मैटर का केस था या सिविल मैटर का केस था, कुछ भी था, कोई भी केस था आप पर, या चाहे कितने भी गंभीर अपराध क्यों ना हुआ था आप पर, तो आप सर्टिफाइड कॉपी जो है आप निकलवा लीजिए। अपने वकील को बोलिए कि सर्टिफाइड कॉपी आप मुझे निकाल के दे दीजिए। हिंदी में उसको बोलते हैं नकल कॉपी, नकल की कॉपी, ठीक है। तो उस कॉपी को आप लेकर वकील के माध्यम से ये निकलेगा, आप नहीं निकलवा सकते हैं क्योंकि वही केस आप लड़ रहे थे और वही जानते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो वकील नहीं है या कोई और भी वकील है तो भी आप उनको बताइएगा कि सर मुझे ये कॉपी निकलवाना है, तो आपको निकलवा के दे देंगे, उसके कोई चार्जेज नहीं होता है। पहला नंबर। दूसरी चीज़ की जब आपको कॉपी हाथ में मिल जाए ना तो आप थाने में जमा कर दीजिए। थाने में अगर आप जमा करेंगे तो थाने से जो आपका क्राइम का जो रिकॉर्ड था वो उसको हटा दिया जाएगा। जो क्राइम का जो रिकॉर्ड लगा रहता है थाने में, क्रिमिनल मैटर में या सिविल मैटर में, कोई गंभीर अपराध में, तो वो जो रिकॉर्ड था ना थाने में, तो वो वहाँ से हटा दिया जाएगा जब आप कॉपी जमा करेंगे वहाँ पर। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप नहीं जाना चाहते हैं थाने में तो मत जाइए, फिर भी कोर्ट के माध्यम से वो कॉपी जो है आपके थाने पर जाएगा और वहाँ से क्राइम का रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए बोला कि आपको संतुष्टि चाहिए, जल्दी से आपको लगता है कि जल्दी से मुझे इस मैटर को ख़त्म करना है, फिनिश करना है, तो आप ही निकलवा के, आप कोर्ट से निकलवा कर आप दे दीजिए थाने में, तो ये भी तरीका होता है। नहीं निकलवाएंगे तो ऑटोमेटिक तो होगा ही होगा। अब रहा कि कोर्ट थाने में कैसे पता करें कि ये रिकॉर्ड हटाया है कि नहीं हटाया, आपके दिमाग में ये चलेगा, आपको कोई सवाल जवाब पुलिस वाले से नहीं करना है, वो लोगों का काम ही है रिकॉर्ड को हटाना, क्योंकि इसलिए वो कोर्ट जो कॉपी है, नकल की कॉपी है, इसलिए भेजा जाता है थाने में। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कॉपी बहुत सारी थाने में ऑलरेडी पहले से लगी होती है और बहुत सारी कॉपी आती जाती रहती है, आती रहती है, ठीक है ना। तो उसको धीरे धीरे हटाया जाता है। आपको पता है कि सरकारी काम कितना स्लो होता है, स्लो तरीके से होता है, पेशेंस रखना होता है। तो आपको यहाँ पर कोई आपकी गिरफ्तारी थोड़ी हो रही है, आपकी गिरफ्तारी तो हो नहीं रही है, आपको एक संतुष्टि चाहिए था इसलिए ना आपने थाने में जमा किया है। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, थाने वाले आपका रिकॉर्ड हटा देंगे, सवाल जवाब नहीं करना है, और इसका जब हटा दिया जाएगा तो उसका कोई प्रूफ मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। तो आप समझ चुके हैं कि डिस्पोजल क्या होता है, केस डिस्पोज्ड हो गया, आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अब नया टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपको आपका जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करूं, ओके। जय हिंद, जय भारत।